तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे। दोस्तों पहली खबर में आपको बताएंगे जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आई दोस्तों, कि कृषि कानून को लेकर मोदी अमित शाह को किसानों ने दिया तगड़ा झटका। कृषि कानून को लेकर किसानों ने किया ऐलान, आज पूरे देश में फिर से भूख हड़ताल करेंगे किसान, मोदी अमित शाह की बड़ी मुश्किलें। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि किसानों के तेज आंदोलन से डरी हरियाणा की भाजपा सरकार। हरियाणा की भाजपा सरकार ने 15 जिलों में एक बार फिर से इंटरनेट सेवा पर लगाई रोक। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि किसानों के समर्थन में राहुल गांधी ने संसद परिसर में दिया धरना, कहा अब हर हाल में कृषि कानून मोदी अमित शाह को लेने होंगे वापस। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि दिल्ली में इसराइल दूतावास के पास हुए ब्लास्ट से डरे अमित शाह, पश्चिम बंगाल का अमित शाह ने किया दौरा रद्द। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि बिहार में होने वाला है बड़ा उलटफेर, बिहार में गिरने वाली है नीतीश सरकार। जीतनराम मांझी ने तेजस्वी यादव के सामने शर्त रखकर मुख्यमंत्री बनाने का दिया है आश्वासन, गिरेगी बिहार में नीतीश सरकार, तेजस्वी होंगे अगले मुख्यमंत्री। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि किसानों के समर्थन में मायावती ने भाजपा पर बोला हमला, कहा दंगों की आड़ में निर्दोष किसानों को ना बनाए बली का बकरा। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि सिंधु बॉर्डर पर एक बार फिर से हुआ भारी हंगामा, किसान और अन्य प्रदर्शनकारियों के बीच जमकर चली पत्थरबाजी, पुलिस ने किया लाठीचार्ज, 44 किसानों को डाल दिया है दिल्ली पुलिस ने जेल में। तो बढ़ गई है भाजपा सहित आरएसएस और बीजेपी की मुश्किलें। तो सभी खबरों को आपको एक एक कर बताएंगे दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें। इसी बीच बढ़ते दोस्तों पहली खबर की ओर, जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आई दोस्तों, कि कृषि कानून को लेकर किसानों ने मोदी अमित शाह को दिया तगड़ा झटका, आज फिर से पूरे देश में भूख हड़ताल करेंगे किसान। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि कृषि कानून को लेकर मोदी अमित शाह को आज फिर से तगड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि केंद्र के नए कृषि कानून के खिलाफ आज फिर से देश में भूख हड़ताल का किसानों ने ऐलान कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि प्रदर्शन कर रहे किसानों ने 30 जनवरी को सद्भावना दिवस मनाने की घोषणा की है, साथ में ही सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक आज पूरे देश में किसान भूख हड़ताल करेंगे। वहीं आपको बता दें कि भूख हड़ताल के साथ साथ किसानों ने भाजपा और आरएसएस पर भी आरोप लगाए हैं। दरअसल आपको बता दें कि किसानों ने आरएसएस और मोदी अमित शाह पर आरोप लगाए हैं कि आरएसएस के साथ मिलकर बीजेपी किसान आंदोलन को खत्म करने की कोशिश कर रही है, और लगातार पुलिस के साथ मिलकर आरएसएस के लोग किसान आंदोलन को हिंसा में भड़काना चाहते हैं, और आरएसएस के लोग लगातार किसान आंदोलन में नकली किसान बनकर आ रहे हैं, और ये लोग ही जो है यहां पर हिंसा फैलाना चाहते हैं और किसान आंदोलन को खत्म कराना चाहते हैं। तो ये गंभीर आरोप किसानों ने लगाए हैं, और आज किसान फिर से एक बार पूरे देश में भूख हड़ताल कर रहे हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो किसानों से डरी हरियाणा की भाजपा सरकार। 15 जिलों में हरियाणा सरकार ने इंटरनेट पर लगाई रोक। जहां दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की कृषि कानून को लेकर किसानों का आंदोलन और तेज हो गया है, इसी से बौखलाई भाजपा सरकार ने अब इंटरनेट सेवा और एसएमएस सेवाओं पर रोक लगानी शुरू कर दी है। दरअसल आपको बता दें कि खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि हरियाणा की भाजपा सरकार ने हरियाणा में 15 जिलों में इंटरनेट और एसएमएस सेवाओं पर 30 जनवरी तक रोक लगा दी है। दरअसल आपको बता दें कि किसानों का आंदोलन खत्म होते होते एकदम तेजी से बढ़ने लगा, इसी को देखते हुए हरियाणा की भाजपा सरकार हिल गई। वहीं आपको बता दें कि सिंधु बॉर्डर सहित कई बॉर्डरों को दिल्ली पुलिस और हरियाणा पुलिस ने जो है छावनी में तब्दील कर लिया है, और हरियाणा सरकार को आशंका है कि कहीं फिर से हिंसा ना हो जाए, और इसी हिंसा को खत्म करने के लिए हरियाणा की भाजपा सरकार ने आज फिर से 15 जिलों में इंटरनेट सेवा और एसएमएस सेवा पर रोक लगा दी है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है कि किस तरह से भाजपा सरकार किसानों के सामने नतमस्तक हो गई है और डर रही है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, जो बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि कांग्रेस सांसदों ने राहुल गांधी की अगुवाई में कृषि कानून के खिलाफ संसद परिसर में दिया धरना, मोदी अमित शाह से की कानून रद्द करने की मांग। जय दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की अगुवाई में पार्टी के सांसदों ने विवादित 3 नए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग करते हुए संसद भवन परिसर में धरना दिया है। कांग्रेस सांसदों ने बजट सत्र के पहले दिन संसद परिसर में महात्मा गांधी
की प्रतिमा के सामने धरना दिया। इस धरने में राहुल गांधी के अलावा लोकसभा में पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी और मुख्य सचेतक कोडी कुनिल सुरेश और कई अन्य सांसद शामिल हुए। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस सांसदों ने काला कानून वापस लो और नरेंद्र मोदी किसान विरोधी के नारे भी लगाए। सुरेश ने कहा कि तीनों कानूनों के खिलाफ लाखों किसान 2 महीनों से सड़क पर हैं, लेकिन सरकार उनकी नहीं सुन रही है। वहीं आपको बता दें कि इस सत्र में मोदी सरकार पर विपक्ष ने कृषि कानून को लेकर दबाव बनाया और अब संसद परिसर में किसानों ने जमकर हंगामा करते हुए कांग्रेस सांसदों ने किसानों का साथ देते हुए संसद परिसर में धरना दिया और कहा कि मोदी अमित शाह को ये कृषि कानून अब वापस लेने ही होंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही कि कांग्रेस ने अब कृषि कानून को लेकर भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इसी बीच बट दोस्तों अगली खबर की ओर, तो दिल्ली में हुए इजरायली दूतावास के पास ब्लास्ट से डरे मोदी अमित शाह, बंगाल दौरा अमित शाह ने किया रद्द। जहां दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल का 2 दिवसीय दौरा आज रद्द कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली में किसान आंदोलन और इजरायली दूतावास के पास हुए ब्लास्ट के चलते वनी स्थिति से गृह मंत्री अमित शाह डर गए और अमित शाह ने रद्द कर दिया है अपना बंगाल का दौरा। दरअसल आपको बता दें कि शुक्रवार की शाम को करीब 5 बजे नई दिल्ली स्थित इजरायल के दूतावास के पास नजदीकी मामूली आईईडी विस्फोट हुआ। इसमें कई गाड़ियों के शीशे टूट गए। इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली के कमिश्नर SN श्रीवास्तव से बात की और कहा कि आखिरकार किसने ये हमला किया है और ये घटना कैसे हुई, जिसके बाद स्थिति तनावपूर्ण हो गई और अब अमित शाह इसी हमले से डर गए और पश्चिम बंगाल का दौरा अमित शाह ने रद्द कर दिया। तो किस तरह से भाजपा डरे हुए हैं किसान और इजरायली दूतावास के पास हुए ब्लास्ट से। इसी बीच बट दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कृषि कानून को लेकर मायावती ने मोदी अमित शाह पर बोला हमला, कहा दंगों की आड़ में निर्दोष किसानों को ना बनाए बलि का बकरा। जहां दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि कृषि कानून का विरोध करते हुए किसानों का खुलकर मायावती ने समर्थन कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि कृषि बिल के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन को लेकर सियासत देश में तेज हो गई है। दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर हुए बवाल के बाद हुई सियासत की गरमाई को लेकर आज मायावती ने मोदी सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने ऐलान किया है कि किसानों के समर्थन में आज संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण का उनकी पार्टी बहिष्कार करेगी। मायावती ने कहा कि गणतंत्र दिवस पर दंगे की आड़ में निर्दोष किसान नेताओं का बलि का बकरा बनाया जा रहा है और मोदी सरकार द्वारा ये हिंसा कराई गई थी, लेकिन सिर्फ निर्दोष किसानों को इस हिंसा में भाजपा फंसा रही है और किसी भी कीमत पर वह किसान आंदोलन को खत्म करना चाहती है। तो ये गंभीर आरोप मायावती ने आज भाजपा पर कृषि कानून को लेकर लगाए हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बिहार में गिरेगी नीतीश सरकार, बागी हुए जीतनराम मांझी, कहा तेजस्वी के साथ गठबंधन कर बनाऊंगा बिहार का तेजस्वी को मुख्यमंत्री। जहां दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि जीतनराम मांझी की पार्टी ने JDU और BJP के साथ गठबंधन किया और बिहार में नीतीश कुमार की सरकार बनाई। इस बीच खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि कृषि कानून और किसानों को लेकर अब जीतनराम मांझी बागी हो गए हैं और जीतनराम मांझी ने JDU और BJP से गठबंधन तोड़ने की चेतावनी देते हुए तेजस्वी यादव के समर्थन देने का ऐलान कर दिया है, जिससे बिहार में कभी भी नीतीश की सरकार गिर सकती है। दरअसल आपको बता दें कि जीतनराम मांझी ने आज किसानों को लेकर बड़ा ऐलान किया है। दरअसल आपको बता दें कि हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतनराम मांझी ने ट्वीट किया है और कहा है कि नौकरी और टिकट के लिए जिन नेताओं ने किसानों से जमीन लिखवाई, अगर उनमें किसानों की जमीन महागठबंधन के लोग वापस कर दें तो मैं भी मानव श्रृंखला में शामिल होने पर विचार करूंगा। दरअसल आपको बता दें कि किसानों के समर्थन में तेजस्वी यादव ने बिहार में ऐलान किया था कि वह मानव श्रृंखला एक आंदोलन शुरू करेंगे और फिर मोदी सरकार सहित नीतीश का विरोध बिहार में सड़कों पर निकलकर करेंगे और मोदी सरकार के तीनों नए कृषि कानूनों को रद्द कराएंगे। वहीं आपको बता दें कि जीतनराम मांझी को इसके लिए ऑफर दिया गया था और जीतनराम मांझी भी अब इसमें शामिल होने के लिए तैयार हो गए और उन्होंने कहा कि अब मैं इस JDU और BJP के गठबंधन से रिश्ता तोड़ूंगा और तेजस्वी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाऊंगा। तो ये बड़ी अपडेट आ रही कि कभी भी बिहार में नीतीश सरकार गिर सकती है और तेजस्वी यादव अब अगले मुख्यमंत्री बिहार के बन सकते हैं। तो ये बड़ी अपडेट
अपडेट आ रही है बिहार से। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर, तो सिंधु बॉर्डर पर भारी हंगामा, किसान और अन्य प्रदर्शनकारियों के बीच जमकर चली पत्थरबाजी, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि दिल्ली के सिंधु बॉर्डर पर किसान प्रदर्शनकारियों और स्थानीय प्रदर्शनकारियों के बीच जमकर बवाल हुआ है। दोनों गुटों के बीच पत्थरबाजी हुई है और एक दूसरे पर हमला भी किया गया है। दरअसल आपको बता दें कि स्थानीय प्रदर्शनकारी शुक्रवार सुबह से ही किसान आंदोलनकारियों के विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे और हाईवे खाली करने की मांग कर रहे थे। इस दौरान किसानों के टेंट भी उखाड़े गए, लेकिन हंगामा बढ़ने के बाद स्थिति बेकाबू हो गई और वहां पर किसानों ने भी स्थानीय लोगों पर लाठीचार्ज कर दी, जिसके बाद पुलिस ने किसान सहित स्थानीय लोगों पर लाठीचार्ज की, आंसू गैस के गोले दागे। इस दौरान अलीपुर थाने के SHO प्रदीप पालीवाल घायल हो गए हैं और इस झड़प में कुछ किसान भी घायल हुए हैं। वहीं आपको बता दें कि 44 किसानों के ऊपर पुलिस ने ये FIR दर्ज की है और गंभीर आरोप दिल्ली पुलिस ने किसानों पर लगाए हैं और कहा है कि हमारे ऊपर तलवार लेकर हमले किए गए। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है कि किस तरह से RSS के लोग और भाजपा के कार्यकर्ता मिलकर किसानों पर हमला कर रहे हैं और उनके आंदोलन को खत्म करवाना चाहते हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो राम मंदिर निर्माण के लिए 230 करोड़ रुपए हुए इकट्ठे। जय दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि अयोध्या में बन रहे राम मंदिर निर्माण के लिए जिस तरह से पूरे देश से चंदा इकट्ठा किया जा रहा है, इसी को लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे थे कि आखिरकार राम मंदिर निर्माण के लिए अब तक देश से कितना चंदा इकट्ठा हो गया है। तो आज खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि राम मंदिर निर्माण के लिए अब तक पूरे देश से 230 करोड़ रुपए एकत्रित हुए हैं। वहीं आपको बता दें कि अब राम मंदिर में कम से कम 1100 करोड़ रुपए की लागत लगाई जाएगी, लेकिन अभी तक कुल 230 करोड़ रुपए ही राम मंदिर के लिए पूरे देश से इकट्ठे हुए हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है, ये जानकारी राम मंदिर ट्रस्ट ने दी है। बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कृषि कानून को लेकर किसान और विपक्ष के सामने झुकी भाजपा, लोकसभा को 1 फरवरी तक किया गया स्थगित। कृषि कानून के खिलाफ विपक्ष ने की जमकर नारेबाजी। जय दोस्तों आपको बता दें कि कृषि कानून को लेकर किसानों का आंदोलन पिछले 2 महीने से लगातार जारी है। वहीं आपको बता दें कि लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही सोमवार यानी 1 फरवरी तक मोदी सरकार ने स्थगित कर दी है। दरअसल आपको बता दें कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण के साथ शुक्रवार को बजट सत्र की शुरुआत हुई। सत्र की शुरुआत COVID-19 प्रोटोकॉल के तहत कड़ी सुरक्षा के इंतजाम के साथ हुई। वहीं आपको बता दें कि जैसे ही राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भाषण दिया, वैसे ही विपक्षी पार्टियों ने उनका बहिष्कार किया और उनके भाषण का वायकाट किया। इसी को देखते हुए कृषि कानून का मुद्दा विपक्ष ने उठाया और विपक्ष ने मुद्दा उठाते हुए भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और कहा कि मोदी अमित शाह कृषि कानून को तत्काल वापस ले, तभी ये देश से आंदोलन खत्म होगा। वहीं आपको बता दें कि जमकर हुए बवाल के बीच लोकसभा को 1 फरवरी तक राष्ट्रपति ने स्थगित कर दिया और कहा कि विपक्ष लगातार हम पर हमले कर रहा है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है कि किस तरह से भाजपा अब लोकसभा में भी विपक्ष के सामने घिर गई है। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर, तो किसान नेता राकेश टिकैत के खुलकर समर्थन में उतरे सांसद संजय सिंह, कहा मोदी अमित शाह को लेने ही होंगे कृषि कानून वापस। जहां दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि किसान नेता राकेश टिकैत के समर्थन में अब आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह उतर आए हैं। संजय सिंह ने कहा कि राकेश टिकैत की आंखों में आंसू नहीं आए, बल्कि मोदी के कारण देश के करोड़ों लोगों की आंखों में आंसू आए हैं। आगे संजय सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार को हर हालात में तीनों कृषि कानून को वापस लेना ही होगा। वहीं सांसद संजय सिंह ने कहा कि विगत दिवस केंद्र सरकार के कारण राकेश टिकैत की आंखों में आंसू नहीं आए, बल्कि इन्होंने इंसानियत सहित किसानों से बिल्कुल बात नहीं की। उन्होंने कहा कि किसानों के साथ मोदी सरकार ऐसे उत्पीड़न कर रही है जिस तरह से अंग्रेज पहले आजादी से पहले हमारे लोग के साथ करते थे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों, बड़ा आरोप राकेश टिकैत के समर्थन में संजय सिंह ने भाजपा पर लगाया है। वो भी हमने देखा।